सूरह फातिहा। ओके उसमें सात आयत है। सात आयत में ऐसा, तो पहले मैं बता दूँ उसके बारे में। जैसे पहली आयत है तो उसका है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके उसका मतलब है अल्लाह ताला बोलते हैं कि जितने भी दुनिया है, पूरी दुनिया जब उसके अंदर जितने भी लोग हैं, जीव जंतु, पूरे आलम हर स्पेसिस का मैं मालिक हूँ, उस आयत का मतलब है। फिर दूसरी आयत है अर्रहमान रहीम, उसका मतलब है कि मैं रहमान हूँ और रहीम हूँ, यानी उनकी जो फीचर्स है अल्लाह के, उस बहुत सारे फीचर्स में से एक ही खूबी है, रहमान भी है और रहीम भी है, दोनों दयालु सिफत है उनकी, वो तो दयालु है सब। फिर है मालिक, तीसरी आयत है मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन का मतलब है कि कयामत का दिन, जैसे हमारे अंदर माना जाता है कयामत का दिन होगा, तो उस दिन का मैं मालिक हूँ, कयामत का वो दिन मेरे का अंदर होगा, मेरे अंडर है सब। मेरे अंदर होगा। फिर है चौथी आयत, उसमें है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। उसमें ऐसा है, तीन आयत तो अल्लाह ने बोली अपनी तरफ से, अब इस आयत में आधा ऐसा है कि हम, अब बंदा क्या है, अल्लाह से हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। फिर अगली आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसका मतलब है कि ए अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा, हम सही रास्ते पर चले। सही रास्ते पर चला, सही रास्ता दिखा। फिर है सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम, इसका मतलब है कि वो रास्ता दिखा जिस पर चलने पर आप खुश होते हो। और आखिरी आयत है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद दाल्लीन, इसका मतलब है कि वो रास्ता मत दिखा जिन पर ऐसे लोग चले जिनसे तू नाराज हुआ और जिन पर तेरा गजब और कहर नाजिल हुआ, वो ऐसे लोग लोग कौन, जैसे मतलब उसमें किस, वो कैसे बताया गया कुरान में, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं लोगों ऐसे। ने, हाँ जिन लोगों ने गलत काम किए या जिन पर आफतें आई, बलाएं आई, जो कामयाब नहीं हुए, जो लोग नाकामयाब हुए, अच्छा वैसा रास्ता मत दिखा, हमको सही रास्ता मतलब दिखा। उनके साथ ना चले। हाँ ओके इस आयत का, तो तो मैं अब ये सारी इसको याद मतलब पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सात कंप्लीट आ गई। पहले इसका मतलब समझा, सुनने में कुछ अच्छा मिल रहा है, हमें हमेशा नहीं पता लगता ये।